पीछे आप दो घर देख रहे हैं, एक वो बहुत बड़ा घर है, एक ये घर है, वो आरजी घर है, ये अबदी घर है। वो बनाते 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 हम इसमें आ जाते हैं, ईंटें चूना तमाम मेहनत तमाम चीज़ें उस घर के लिए इकट्ठी करते रहते हैं और इसको भूल जाते हैं। फिर एक वक्त क्या आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि शायद हमने इस घर में आना है कि नहीं आना। हम उसी घर को, बड़े घर को अपना सारा कुछ समझ बैठते हैं। बड़े घर बनाने का ख्वाब लिए हम कैसे इस हमेशा के घर में चले गए, आज के शो में आपको ये सफ़र सुनाएंगे, दिखाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें शायद हमें खुद भी ज़रूरत है खुद को दुरुस्त करने की। आए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बाहर जान का शौक सी वक्त लगा ते यही फिर जिंदगी बच्चे सोच देन मेरा बेटा यही सोच देन नहीं सोच कोई साडी ज्याती करके साडा बेटा नहीं निकलया नहीं ज्याती ते कोई ज्याती ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਦ ਬੋਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰੇ ਟੋਰੇ ਆਪ ਟੋਰੇ अगली मंजिल आसान मेरे यतीम बच्चे नहीं त्रों पैणा ते छोटे ने कुआरा मेरा वड्डे तो निक्का किन्नी उम्र सी इहदी उम्र है ओदी 25-26 साल जवान बच्चा जी जवान बच्चा मेरा माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਸਮਝੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ
क्यों नू कभी बाहर ना जाना पवे। मेरी दुआ है माँ जी का, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, उन्हां दे सिर ते सलामत रखे। कोई मेरे लायक कोई हुक्म होए, खिदमत होए ते मैनू दस दे। मैं गांव में मौजूद हूँ। ये गुजरात का एक गांव है, छोटे गांव है यहाँ सारे। यहाँ पर मोस्टली जो गांव में, जिन गांव में मैं गया हूँ वहाँ पर लोग जो हैं मोस्टली ओवरसीज़ भी हैं। वहाँ लोग बाहर जा चुके हैं, बाहर के ख्वाब देखते हैं। लेकिन बड़ी ज़रखेज़ जगह, बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ है, सोना उगलती है। नौजवान यहाँ पर जो अभी जिन नौजवानों की हम बात कर रहे हैं उनमें जो ज़्यादातर थे वो वाई बी जी का काम करते थे, वो काश्तकारी करते थे, किसान थे। लेकिन वो अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब जब उनको दिखाए गए और उनको बताया गया कि बाहर तो ज़िंदगी बहुत हसीन है, तो वहाँ चलते हैं, तो वो उसको हसीन ज़िंदगी को पाने के लिए दोज़ख की आग से भी गुजरना उनके लिए कोई कम चीज़ नहीं थी, और वो उससे भी गुजर गए और ज़िंदगी जो उनसी है उसकी बाजी हार गए। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ये नौजवान भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन जाना अब चाहता है कि नहीं चाहता। इसके दोस्त जो उनसे हैं वो इस हादसे के अंदर, इस साने के अंदर अपनी जान खो चुके। मुस्तकबल ठीक हो, सारा कुछ ठीक हो, कोई बंदा नहीं चाहता कि अपने बच्चियां तो अपने वालदैन तो दूर जाके रवे। फिर मजबूरियां सारा कुछ वेख के, फिर एक और चीज है इतना पिंड च तुसा वेख्या जिन्ना भी चिट्टा चूने वाले दो मंजिले या तीन मंजिले घर ने सारे बाहर आ रहे। इतने जो किसी की 10 एकड़ जमीन है वो ज्यादा भी जोर लाए, हाँ कौन कोई गल्ला प्या करे वा बड़ी ये होंगे वो होंगे, वो बातें ही सिर्फ रह जाती है। दिल कर दे अपना भी बड़ा, अपना बड़ा इतने कमा के किसी ना कोई वड्डा घर बनाया ना कोई गड्डी वड्डी बनाई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस गांव में आपको बड़े घर नजर आए हैं रास्ते में जो बने हैं, वो सारे लोग बाहर हैं, उन्होंने बाहर से कमाई करके लाए हैं। तो यहाँ के नौजवानों का भी दिल करता है कि वो भी इस तरह की बड़ी कोठी बनाएं अपने यहाँ पर गांव में, और वो भी बाहर जाके पैसे कमा के लाएं। यहाँ पर पैसे कमा के उनका ये गुजारा नहीं होता, यहाँ गांव में मेहनत करके पैसे नहीं बनते कि बड़ी कोठी बने और चूने वाला घर बने। अच्छा जी, तो तुसी भी बाहर जाना चाहते हो? जी सर। कितने जाना चाहते हो? मैं सर रुमानिया के पैसे दिते जी, मैं तो लीगली जाना चाहते दिते ने 3 लाख रुपया दिते। 3 लाख रुपया दिता है, तो किन्ने और मांग रहे? वो तो ये मतलब 11.5 और देना पैना। 11.5 और देना, तो किस तरह दोगे? वो मतलब इतने पैसे है ना अपने को, पैसे तो ओखा सोखा जे जिवें भी हो जान दे। मकसद है वे उन लीगल करना है, तो ओदे विच वे के बड़े काम जिन्ने होण गए ने ना मुड़े, जिन्हां च कुछ डुबे ने कुछ अपड़ भी गए ने, इन्हां सारिआं रमानिया दे ट्राई कीती, कोशिश कीती है कि असीं लीगल तरीके नाल अपड़ जाइए, ना साने मतलब समुंदर पार करना पवे, ना और मतलब टेंशन घरे दे ना टेंशन बने ना सान बने। असीं जहाज ते जाइए, उत्थों फिर अगे कोशिश करिए अगो इटली स्पेन टूर जांदे। लेकिन यह वे कि और रमानिया का एक थोड़ा जहा सान चांस है वे कि उहदे विच कोई थोड़े बाले मुड़ियां दे लगे ने, ज़्यादा मुड़ियां दे उहदे भी नहीं लग रहे। घूमन जी अंबैसियाँ जो आँदे जो उत्थों लग भी जाए, अंबैसी साड़ी अल्लाह दा फजल है एड्डी वधिया कि उत्थों लग भी जाए, हालांकि यह भी पता है कि इत्थे आवाम कुछ नहीं कर सकती, वो यही नहीं मंजूरी देंदे, यही नहीं लगन देंदे। मुस्तकबल बने, को बच्चियां दा सिस्टम बने, इत्थे ते बंदे दा रिश्ता भी कोई नहीं, सीधी जड़ी गल। अच्छा। हाँ जी, रिश्तेदारी विच सीरियस ए गल है कि जिहड़ा हुण मौजूदा दौर है उहदे विच दो चीज़ां, एक ते इह होंदियां ने कि गवर्नमेंट जॉब, दूजे नंबर बल्कि पहले तो यूरोप होंदा और दूजे तो हुण गवर्नमेंट जॉब आ गई। कि मुंडा यूरोप हैगा कि नहीं है, उहदे विच उहदी कोई पढ़ाई लिखाई दा नहीं, उहदा कोई खास शक्लो सूरत दा भी उहदी कोई मसला नहीं, ठीक है। वो मुंडा जिहड़ा सोना भी कोई चक्कर नहीं, कि उह तो बाद बाहर हैगा कि नहीं हैगा? यूरोप है, उहदे ते मोहर हर तरहां दी, कि उहनूं रिश्ता दे दिओ, दे दिओ उहदे कागज़ बणे जे, रिश्ते वालियां इह गल्लां पुछदियां ने, अगले बंदे पुछदे ने, तो वो एक वक्त होंदा ना मौजूदा वक्त च सारे नाल अगे इह चीज़ रिश्ता जिहड़ा उह जल्दी मिलदा, लिहाज़ नाल यूरोप अगे वे। हालात घर दे इसे तरह ही ना, जे इत्थे बंदा मेहनत जिन्नी भी कर ले बनदा कख नहीं,
तो फिर वो बंदा जारी गल कोशिश करे तक मैं बाहर। चलो मेरा वीर, अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे, मेहरबानी।